Jordanian. Very nice. अस्सलाम वालेकुम. आज हमारा फर्स्ट डे है, ऑफिशियल डे इन जॉर्डन. कल हम पहुंचे थे, वी केम फ्रॉम ईरान और हम वाया शारजा आए थे. आवर फ्लाइट वाज क्रेजी, फिर हमने आके सिर्फ क्रैश किया. सो आज हम एक्चुअली निकलेंगे प्रॉपरली, फुल डे गुजारेंगे जॉर्डन में. वी आर एक्चुअली चेकिंग आउट ऑफ मेरीलैंड होटल और हम एक गेस्ट हाउस में चेक इन कर रहे हैं जस्ट टू गेट मोर ऑफ दैट लोकल एक्सपीरियंस. अपेरेंटली एक बहुत स्वीट से ओनर हैं, तो इट वुड बी रियली नाइस टू मीट हिम. और फिर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल खाना भी मुझे खाना है, लोगों से भी मिलना है. सो लेट्स गो एंड चेक आउट बिकॉज देर हो रही है. एक होटल से चेक आउट कर चुके हैं, दूसरे होटल में चेक इन करने जा रहे हैं. गैलरी गेस्ट हाउस इस होटल का नाम है और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है. हम लोग बिल्कुल मेन सेंट्रल लोकेशन पे रुके हैं अम्मान में, तो यहाँ से तकरीबन 5-10 मिनट की ड्राइव है. हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं गेस्ट हाउस में. अच्छी बात यह है कि बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, तो यहाँ से जो मेन सेंटर है, जो इनका डाउनटाउन है, वो बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है. जब हम लोग एंटर हो रहे थे गेस्ट हाउस में, तो गेस्ट हाउस की जो वाइब है ना, बड़ी अच्छी सी है, होमी सी उन्होंने बनाई हुई. अंकल का अपना घर है जो इसको रन करते हैं, तो रूम बहुत बेसिक है लेकिन बहुत साफ सुथरा है. ये हमारा बेड है यहाँ पे क्वीन साइज का, उसके साथ दो साइड टेबल्स हैं और वॉल बड़ी अच्छी सी सजाई हुई अंकल ने, मिरर लगाए हुए दोनों तरफ फुल. तो बड़ा साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी और बहुत रीजनेबली प्राइस. ये मेरे ख्याल से हमें टू नाइट्स के लिए पड़ा है तकरीबन 85 USD, जो कि बहुत कम पैसे हैं यहाँ के हिसाब से, क्योंकि जॉर्डन रिलेटिवली महंगा है बाकी मुल्कों से. मिडल ईस्ट में जितने भी मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा महंगा दुबई के बाद जो है वो मेरे ख्याल से जॉर्डन है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं पेट्रा की वजह से और ये वादी रंग की वजह से. दूसरा ये कि यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो उन्होंने पूरी की हुई हैं. टीवी का बंदोबस्त है, उसके साथ यहाँ पे टेलीफोन रखा हुआ है, अगर आपको कोई चीज़ मंगवानी हो, रूम सर्विस करवानी हो, वो है. एसी लगा हुआ है पीछे. रूम वैसे थोड़ा सा छोटा है लेकिन इतनी स्पेस है कि हमारा ये जो इक्विपमेंट बैग है प्रेम इनाया का और ये डायपर बैग जो है, ये सारा इसके अंदर है. यहाँ पे सिंक बेसन है हाथ वाथ धोने के लिए, टॉयलेट इधर है और नहाने की जगह ये है. तो आज हमारा पहला ऑफिशियल डे है जॉर्डन में और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल लोकल्स की तरह इस जगह को एक्सप्लोर करें. और मज़ेदार बात यह है कि आप आराम से गलियों में घूम सकते हैं. यू कैन गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स अप द हिल्स और एक बहुत अलग फील है इस जगह की, अनलाइक एनीवेयर वी हैव एक्चुअली बीन बिफोर. सो वी आर स्टार्टिंग विद लोकल जॉर्डेनियन कॉफ़ी. और अगर आप हमारी वीडियो और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस जॉर्डन के एंजॉय कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग. जॉर्डन की बेस्ट कॉफी है एंड दे मेक इट विद लाइक सच डेलिकेसी. लाइक वी गोना हैव आवर कॉफी और अब थोड़ा बहुत कैजुअली एक्सप्लोर करेंगे अमान को. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अमान जो कि हमें देखनी है, सो वी गोना बी डूइंग इट ऑन फुट लाइक लोकल्स. हम वॉक करेंगे. तानी ने स्पेनिश लाटे लिए. क्या कमाल की कॉफी है, बहुत स्मूथ है, बिल्कुल जली हुई नहीं है. या काफ़ी जगह पे होता है ठंडी मट्टी कॉफ़ी दे देते हैं, ये एक्स्ट्रा हॉट मांगी थी, एक्स्ट्रा हॉट नहीं है उन्होंने हमें. तो थोड़ा सा जान में जान आएगी, कॉफ़ी वॉफी पियेंगे, आंखें खुलेंगी, उसके बाद थोड़ा सा अमान एक्सप्लोर करते हैं. यहाँ पे 2-3 जगहें हैं जो हमें देखनी है आज. एक तो सिटाडेल है जो हम प्लान कर रहे हैं कि वो जाएँ, वो देखें. यहाँ से तकरीबन 50-55 मिनट्स की वॉक पे है. उसके साथ यहाँ पे बहुत किस्म की बहुत खूबसूरत नहायत दिलकश मस्जिद है, जो कि हम आज इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे. तो मेरे पीछे जो इस वक्त आप लोग ये जाइगेंटिक सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं भाई, ये है टेंपल ऑफ हरक्यूलिस. हजारों साल पहले जो है यहाँ पे जो मुख्तलिफ कौमें बसा करती थी, उनका ये मानना था कि हरक्यूलिस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है, सुपर नेचुरल पावर्स उसके पास हैं, और उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक टेम्पल बनाया था जहाँ पे जाके वो पूजा करते थे जो उनके खुदा थे उस दौर में, जिसका नाम ज़ूस था और उसका बेटा जो है हरक्यूलिस था.
क्योंकि अमान शहर जो है वो अपनी हिल्स की वजह से जाना जाता है, और जिस जगह अभी हम लोग खड़े हुए हैं ये जबल अल किला के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे ये सिटाडेल वाकई है, और यहाँ पे तकरीबन इस तरह की 6 और मजीद हिल्स हैं, और ये जो है अमान को अमान बनाती है, और इन्हीं हिल्स की वजह से अमान शहर जो है वो तख्लीक हुआ। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जबल क्या होता है भाई, तो जबल जो है वो हिल को कहते हैं अरबी जबान में। कहा यह जाता है कि ये जो आगाज हुआ था सिटाडेल का वो नियोलिथिक पीरियड में हुआ था, जब ब्रॉन्ज एज थी तकरीबन 1800 BC में, और उसके बाद फिर यहाँ पे दीगर सिविलाइजेशंस आई और उन्होंने यहाँ पे राज किया, हुकूमत की, और यहाँ पे हर हुकूमत के दौर में कुछ ना कुछ चीजें जो है वो तब्दील होती रहीं। कहा यह जाता है कि यहाँ पे रोमन एम्पायर से लेके बीजेंटीन और उमायद एम्पायर्स जो है वो आई और यहाँ पे मुकीम हुई, यहाँ पे उन्होंने हुकूमत की। तो मेरे पीछे जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका जीता जागता सबूत है कि यहाँ पे मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस ने हुकूमत की और राज किया, और यहाँ पे मुख्तलिफ जो जलजले आए उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो अब वैसी हालत में जाहिर नहीं रह सकता था। पहले ये पूरा जो है टेंपल होता था, जहाँ पे अब खाली आपको पत्थर और उसके रिमेन्स बाकी नजर आ रहे हैं। बहुत फैसिनेटिंग चीज है देखने के लिए। ये पिलर 30 मीटर्स हाई है, एक पिक्चर में ये फिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लोग नीचे लेट लेट के तस्वीरें ले रहे हैं। तो ये है उस हरक्यूलीस का हाथ बेसिकली, एंड इसको देख के हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा उसका ग्रेको रोमन स्कल्पचर होगा, और अपेरेंटली ये 13 मीटर्स हाई था। अब जो है अर्थक्वेक के बाद और इतने एरर्स गुजरने के बाद सिर्फ ये इतना सा 3 उंगलियों का हाथ बचा है। हरक्यूलीस का टेंपल देखने के बाद हमने अपना रुख किया उमायद पैलेस की तरफ, जो कि अमान सिटाडेल के अंदर ही सिचुएटेड है। फैसिनेटिंग बात ये थी कि इतने जलजले और इतनी चीजें हो चुकी हैं सिंस दिस एंटायर प्लेस वाज बिल्ट, लेकिन इस चीज को उन्होंने इतनी प्यारी तरह रेनोवेट किया हुआ है, और वाकई में अभी तक इधर से एक पैलेस वाली फीलिंग आ रही थी। मजेदार सी वॉक करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ की जो मेन मस्जिद है, जिसका नाम है किंग अब्दुल्ला वन मस्जिद। मेरे पीछे आप लोग शानदार सा ये गुंबद देख सकते हैं। ये मस्जिद जो है ये बेहतरीन मिसाल है कंटेम्प्रेरी इस्लामिक आर्किटेक्चर की, और ये जो ब्लू मोज़ेक वर्क आप लोग देख रहे हैं इसके गुंबद के ऊपर, ये मेन चीज है जो इस मस्जिद को मेरे ख्याल से मुनफरिद बनाता है बाकी तमाम मस्जिद से। और ये बिल्कुल अमान के दिल में हार्ट में मौजूद है, डाउनटाउन यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर्स की वॉक पे है। 1982 से 1989 की मुद्दत तक इसकी तामीर हुई थी। अच्छा, इसके बारे में मैं बताता चलूं कि ये किंग अब्दुल्ला वन के दौर में बनाई थी, जब किंग अब्दुल्ला की डायनेस्टी का आगाज हुआ था उस दौर में ये बनी थी, और आज तक किंग अब्दुल्ला की डायनेस्टी जो है वो बरकरार है जॉर्डन में, और इसका शुमार जॉर्डन की सबसे खूबसूरत दिलकश और बेहतरीन मस्जिदों में होता है। तो अब हम अंदर जाएंगे, अंदर से थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। सुना ये है कि अंदर से बहुत खूबसूरत है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसी है मस्जिद। आ जाए। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله। अच्छा, तो सुल्तान अहमद मस्जिद जो है यहाँ पे तकरीबन 10,000 कमोबेश नमाजी जो है नमाज अदा कर सकते हैं, और इसके अलावा अहाते में इन्होंने एक और सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे ख़वातीन जो हैं तकरीबन 500 से 650 के करीब जो हैं वो नमाज़ पढ़ सकती हैं। नीचे जो है इन्होंने वज़ू खाना बनाया हुआ है, वज़ू का इंतज़ाम है, वहाँ पर आप लोग जाके ठंडे गर्म पानी से वज़ू कर सकते हैं। हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है, और हम जिस टाइम पर आए हैं यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है, टूरिस्ट भी बहुत कम हैं, 2-3 आए हुए हैं। और अगर आप लोग अमान आ रहे हैं ना, तो ये मस्जिद जो है लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा, ये बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि एक ये ख़ास तौर पे जो इन्होंने ये डोम शेप का अंदर से बनाया हुआ है आर्किटेक्चर, वो वाकई में ये बेहतरीन मिसाल है कंटेम्प्रेरी इस्लामिक आर्किटेक्चर की। जॉर्डन की मुझे जो अभी तक चीज़ बहुत मतलब फैसिनेट करती है और बहुत अच्छी लगती है, इसके मस्जिद के बिल्कुल सामने चर्च बनी हुई है, एंड एवरीवन लिव्स इन हार्मनी। देयर क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन वो मतलब बिल्कुल दरवाजे बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, बट इट्स लाइक अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और समथिंग, के वो मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मस्जिद के सामने वो बनी हुई है चर्च। एंड इस मस्जिद में नॉन मुस्लिम्स भी यू नो टोटली अलाउड हैं।
were walking down from the hill, the highest hill of Amman, और हम actually dinner के hunt में हैं. We are going to Rainbow Street, जो कि burger fresh. बहुत रौनक है यार यहाँ पे, तो मतलब वीकेंड भी नहीं है, इट्स अ वीकडे, यहाँ पे लोग ही लोग हैं. और आते ही हमने गन्ने का जूस ले लिया बिकॉज गर्मी भी है. ये कप गन्ने का जूस विज 1 JD, जो कि हमारे $2 ऑस्ट्रेलियन बनते हैं, 1.5 US. ओके, दिस इज फॉर लाइक वेडिंग्स और समथिंग. Do you mix them together? Yes. Okay. One is small. Small. Yes. ये एक इनकी traditional Jordanian street food है. It is like fava bean. And this is turmus. Turmus. Yes. और पीछे मसाले हैं, lemon juice है. मसाले, कोरिएंडर, लेमन्स डाले हुए हैं. ओह माय गॉड, एक्चुअली बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी है. इट्स लाइक चाट बेसिकली. शुक्रिया शुक्रिया. एक सब्सक्राइबर मिल गया हमें जॉर्डेनियन, वेरी नाइस. कम ऑन, थैंक भैया. ये मेरे पीछे जो है रंग बिरंगे लैंटर्न्स देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि दानी भाई कहाँ मौजूद है. तो हम लोग इस वक्त डाउनटाउन में मौजूद हैं अम्मान के. यहाँ पे जो खूबसूरत किस्म के रंग बिरंगे लैंटर्न्स लगे हुए हैं, ये भाई इस जगह की खूबसूरती में इजाफा करते हैं. और ये स्ट्रीट जो है ये रेनबो स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है. यहाँ पे दीगर रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे पब्स हैं, यहाँ पे कैफेज़ हैं, यहाँ पे शीशा बार्स हैं. ये स्ट्रीट जो है पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा रश और सबसे ज़्यादा बिजी जो है वो थर्सडे के दिन होती है, क्योंकि यहाँ पे जुमे और हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं. तो आज हम लोग आए हैं संडे के दिन, तो रश थोड़ा सा कम है. हम एक रेस्टोरेंट ढूंढेंगे बिकॉज वी आर एब्सोल्युटली स्टार्विंग. बहुत वॉक किया आज हमने अम्मान में, सो लेट्स गो एंड फाइंड समवेयर टू ईट. जाफरा रेस्टोरेंट में, जो कि अमान के बिल्कुल डाउनटाउन हार्ट में मौजूद है. साथ में ये बताना चलूं कि जाफरा रेस्टोरेंट जो है भाई ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है जॉर्डन का, अमान में वाके है. और तकरीबन 60-70 साल से ये पूरा सिलसिला चल रहा है. बाप दादा से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, अब उनके बच्चे ये पूरा बिजनेस संभाल रहे हैं. उसके साथ ये रेस्टोरेंट जो है वो इतना बिजी होता है आम दिनों में कि यहाँ पे आपको रिजर्वेशन के बगैर जो है सीट या जगह नहीं मिलती है. हमें खुशकिस्मती से हम लोग यहाँ पे वीकडे पे आए हैं तो हमें जगह मिल गई है. तो यहाँ पे गर्मा गर्म लेंटिल सूप मंगवाया है, उसके साथ यहाँ पे क्रूटॉन्स हैं जो कि फ्राइड ब्रेड होती है पापड़ की तरह, बहुत रिच फ्लेवर है. दालों का जो मिक्सचर है, जो ब्लेंड है, वो हाइट मजे का है. मेरे ख्याल से इसमें 7-8 किस्मों की दालें जो मैंने उन्होंने मिक्स की हुई है. और उसके साथ मसालों का जो रेशियो है वो बहुत बेहतरीन है और बहुत लाइट सूप है. तो ये एज अ एपेटाइजर यहाँ पे दिया जाता है कि जो भी आपको खाना वाना खाना है उससे पहले आप यहाँ पे सूप पी सकते हैं. ये इनका बिल्कुल ट्रेडिशनल रिवायती सूप है जिसकी प्राइस काफ़ी रीजनेबल है. मेरे ख्याल से 3 जॉर्डेनियन का है ये, तो 3 जॉर्डेनियन जो हैं तकरीबन बनते हैं आपका, अल्लाह भला करे, 6 US डॉलर. तो यहाँ पे हमारा मेन कोर्स आ चुका है. इनाया के लिए हमने फेटुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता व्हाइट सॉस के साथ चिकन के साथ मंगवाया है. अच्छा, ये जो है ये असल चीज़ है, ये मिक्स प्लेटर है. तो चिप्स है साइड पे,
चिकन का एक स्क्यूअर मुझे नजर आ रहा है, एक लैम्ब का है और एक जो है इनका ट्रेडिशनल जोर्डेनियन कबाब है जो कि मिन्स का बनता है। और उसके साथ सबसे जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है वो है यहाँ पे ये चिकन कलेजी जो कि अनियंस, गार्लिक और कोरिएंडर के साथ इन्होंने बनाई है। ये मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा क्योंकि इसमें से जो खुशबू आ रही है ना यार वो लाजवाब और कमाल की आ रही है। ये मेरा मुंह है और ये चमचा है और ये जा रही है। ओह वाह, मेरे ख्याल से जिंदगी में मैंने जितनी कलेजियां खाई हैं इससे मज़ेदार, इससे गली हुई, इससे टेंडर कलेजी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाई। नहायत मज़ेदार, मसालों का जो रेशो है बैलेंस्ड है। वो जो एक प्रोमिनेंट फ्लेवर है ना प्याज और गार्लिक का, उसने पूरा गेम जो है वो उठाया है। उसकी वजह से ये पूरी जो कलेजी है ना, मतलब मैं अगर इसको 10 में से नंबर दूँ 100 है क्योंकि इतने मज़े की है, मैंने बगैर रोटी के खाई है। सो आई एम गोना गो इन फॉर द चिकन ग्रिल और ये टेंडर लग रहा है, लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली इज। वाओ, बहुत मज़ेदार है। आई थिंक इसको कोयले पे इसने बनाया है।